हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल कोड इजी। और आज की वीडियो हम करने वाले हैं पाइथन पिप। तो पिप क्या होता है? पिप ये होता है पाइथन का पैकेज मैनेजर, जिसके अंदर की बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल किए गए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो हम लोग को जो भी पैकेज चाहिए होगा हम यहाँ से अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन रिपोजिटरी टाइप का होता है, जैसे गिटहब रिपोजिटरी होती है जहाँ पे हम लोग अपना कोड स्टोर करके रखते हैं, उसी तरह से पिप के अंदर भी क्या होता है, बहुत सारी पाइथन की लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, जब हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो इतनी सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं होती। ठीक है, जैसे जैसे हमको नीड होती है, जैसे जैसे हमको नीड होती है लाइब्रेरीज की, उस तरह से हम लोग लाइब्रेरीज को आगे जाके इंस्टॉल करते रहते हैं। तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं पाइथन पिप के साथ, और कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे वो सब चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पिप को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उसके लिए आप अपना टर्मिनल ओपन कर लो अपना सिस्टम में। ठीक है, तो सबसे पहली कमांड है, अगर आप उबंटू यूज़र हो, अगर आप उबंटू यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए क्या कमांड है, सूडो apt get install python 3 pip। ठीक है, ये कमांड रन करनी है, पासवर्ड लिखना है। ठीक है, तो मेरा python 3 pip इंस्टॉल हो गया है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसका वर्जन, हाइफन हाइफन वर्जन, इस कमांड के थ्रू आप वर्जन चेक कर सकते हो। तो ये बोल रहा है कि पाइथन 3 पिप। सो अगर आपको वर्जन चेक करना है उसके लिए आपको पाइथन 3 हाइफन हाइफन वर्जन लिखना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये वर्जन है मेरा 22.2.2। तो मेरा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया यार पाइथन मेरे सिस्टम के अंदर। अगर आप विंडो यूज़र हो तो विंडो यूज़र के लिए मैं कमांड बता देता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी एक फाइल बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें। तो खोल लेते हैं उस फाइल को, सूडो नैनो मेरा कोड एडिटर है जिसके अंदर मैं फाइल को खोलूँगा, सूडो नैनो। एक बार फाइल का नाम देख लेते हैं ls करके, क्या है फाइल का नाम, पाइथन पिप डॉट पाए। तो मैं sudo nano python pip डॉट पाए ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि कैसे विंडोज़ में इंस्टॉल करते हैं, और ये वाली फाइल को मैं क्या करूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कमांड्स को। तो अगर विंडो यूज़र हो तो यार curl चला लो, curl के साथ ये वाला url रन करो, उसके बाद python get pip डॉट पाए इसको रन करोगे तो आपके सिस्टम में पिप इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा पिप जो है वो पाइथन पैकेज मैनेजर है, जिससे कि हम पैकेजेस और मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में। ठीक है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं बेसिकली, मॉड्यूल क्या है, सिंपल पाइथन फाइल्स होती हैं। हमने मॉड्यूल बना के भी देखे थे इससे पहले, ठीक है, कि मॉड्यूल को कैसे बनाते हैं, इंपोर्ट कैसे कराते हैं। तो मॉड्यूल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, और जो भी मॉड्यूल होगा उसका जो फाइल एक्सटेंशन होगा वो डॉट पाई पाई होगा। तो कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं, डेट टाइम मॉड्यूल हमने किया है, रेजेक्ट्स मॉड्यूल होता है, रैंडम मॉड्यूल होता है, और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पैकेज क्या होता है। पैकेज क्या है, सिंपल एक डायरेक्टरी होती है जिसमें कि बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। पैकेज क्या है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स है, जैसे कि नम पाई पैकेज हो गया, जो कि हम क्या करते हैं डेटा साइंस जब करते हैं तो उस टाइम पे नम पाई और पेंडास ये वाली लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं, ये वाले पैकेजेस को यूज़ करते हैं। तो ये होते हैं पैकेजेस हमारे। उसके बाद लाइब्रेरीज क्या होती हैं, ये यूजेबल चंक ऑफ कोड होते हैं जो कि हम लोग इंपोर्ट करते हैं अपने प्रोग्राम में, जैसे कि मेटा प्लॉट लिप जो कि डेटा साइंस का जब हम काम करते हैं उस टाइम पे यूज़ करते हैं, पाई टॉर्च हो गया, पाई गेम हो गया, सीबॉन हो गया, ये सारे क्या है हमारी लाइब्रेरीज हैं। तो हमने ऑलरेडी क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम में, वर्जन भी चेक कर लिया है पिप 3 हाइफन हाइफन वर्जन के थ्रू, हम वर्जन को चेक कर सकते हैं पिप के। ठीक है, और अब क्या करना है पिप के थ्रू, अब मैं दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कमांड लिखी पिप 3 इंस्टॉल numpy, तो डाउनलोड करना है अगर कोई पैकेज आपको अपने सिस्टम में, तो पिप 3 के थ्रू आप डाउनलोड भी कर सकते हो उसको। ठीक है, तो मैं इसको एग्जिट करता हूँ और दोबारा से मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको पैकेज को। तो पिप 3 इंस्टॉल numpy में ये वाला पैकेज इंस्टॉल करता हूँ अपने सिस्टम में। सॉरी, मेरी कमांड गलत हो गई यहाँ पे, पिप 3 मुझे लिखना होगा। यहाँ पे क्या करना है यार, अगर ये एरर दे रहा है आपको तो यहाँ पे sudo ऐड कर लो, उसके बाद इस कमांड को रन करो। तो मैंने कमांड रन कर दी है, कमांड चल रही है अभी। ठीक है, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया मेरा numpy 1.24.0 वर्जन हो गया इंस्टॉल। मैं इसका numpy का वर्जन चेक कर लेता हूँ, numpy हाइफन हाइफन वर्जन। ठीक है, एक बार दोबारा से वो फाइल खोलता हूँ, sudo nano python 3। ठीक है, तो numpy मैंने इंस्टॉल किया अभी। ठीक, उसके बाद क्या करना है, अब एक बार इसको ना यूज़ करके देखते हैं numpy को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है यूजिंग ए पैकेज, तो मैं यहीं इसी वाली फाइल के अंदर कमांड्स लिख देता हूँ अपनी। ठीक है,
इंपोर्ट करते हैं नमपाई को। सपोज मेरी ये पाइथन की फाइल है, ठीक है, मुझे नमपाई को यूज़ करना जो पैकेज मैंने इंस्टॉल, लिखना है इम्पोर्ट नमपाई, तो मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे इम्पोर्ट नमपाई, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, नमपाई क्या होता है बेसिकली एरे के लिए यूज़ होता है, ये वाला जो पैकेज है मेरा ये एरे के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मैंने बताया था पाइथन में क्या होता है, बिल्ट इन लिस्ट होती है, एरे नहीं होते, तो अगर आपको एरे यूज़ करना है तो आपको नमपाई पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में, फिर उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इम्पोर्ट कर लिया नमपाई, ठीक है। मैं एक एरे बना देता हूँ, arr इक्वल टू np डॉट एरे, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट लिस्ट डाल देता हूँ इसके अंदर, और इसमें कुछ एलिमेंट डाल देता हूँ, 3-4 मैंने एलिमेंट डाल दिए हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करके देखता हूँ। प्रिंट एरे में क्या करते हैं हम लोग, इंडेक्सिंग के थ्रू एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। तो मैं arr मेरा क्या है, वेरिएबल है, और जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको मैं एक्सेस करूंगा। तो जीरो इंडेक्स पे देखो क्या है वैल्यू मेरी, जीरो इंडेक्स पे 1 रखा हुआ है एरे के, ठीक है। तो 1 मेरा प्रिंट हो जाना चाहिए था, प्रिंट हो जाना चाहिए मेरा जब भी मैं इसको रन करूँगा इस प्रोग्राम को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 0, उसके बाद बाहर आके मुझे ब्रैकेट क्लोज करना होगा। मैंने इसको सेव कर दिया कंट्रोल एक्स से, कंट्रोल एक्स के थ्रू मैं बाहर जाऊंगा और इस फाइल को मैं रन करूंगा एक बार। पाइथन 3, ठीक है, npi इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है मुझे, तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि ये npi इज नॉट डिफाइंड क्यों बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ गलती करी है क्या, इम्पोर्ट numpy, तो इम्पोर्ट numpy, अब मैंने क्या है एलियाज, मैंने np यूज़ कर लिया है बट मैंने इसका एलियाज नहीं बनाया, तो मैं एलियाज बना लेता हूँ यहाँ पे np, ठीक है। अब np के नाम से ये numpy वाला पैकेज कॉल होगा, फिर कंट्रोल s और कंट्रोल x, बाहर आ गया मैं, फिर सीधे मैंने फाइल को रन किया यहाँ पे और इसने 1 प्रिंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो करेक्ट आ रहा है मेरा आउटपुट, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। दोबारा से मैं फाइल खोल लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं आगे हम क्या करने वाले हैं। तो अगर पैकेजेस को फाइंड करना है आपको, आप चाहे ऑनलाइन पैकेज चेक करना चाहते हो कौन कौन से पैकेज होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इस वाले लिंक पे जा सकते हो https://pypy.org, इसमें आपको सारे पैकेज मिल जाएंगे जितने भी पाइथन के पैकेजेस होते हैं, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, उसको इंस्टॉल कर सकते हो, वहाँ पे कमांड भी आपको गिवन होती है, ठीक है, इस वाले लिंक पे जाके। अब आपको कोई पैकेज को इंस्टॉल करना है, आपने गलती से अनइंस्टॉल करना है, कोई गलती से आपने पैकेज इंस्टॉल कर दिया है, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए कमांड लिखी हुई है यहाँ पे pip3 अनइंस्टॉल numpy, ठीक है। तो इसको एक बार रन कर लेते हैं, अगर मेरे को numpy वाला पैकेज अनइंस्टॉल करना है तो मैं क्या करता हूँ, pip3 अनइंस्टॉल numpy, मैंने अनइंस्टॉल कर लिया, यस कर देना, यहाँ पे अनइंस्टॉल हो गया मेरा सक्सेसफुली। अब मैं दोबारा से क्या करता हूँ, अपनी पाइथन फाइल को रन करता हूँ, इसमें numpy वाला कोड लिखा हुआ है मैंने, तो वो एरर देना चाहिए मुझको, ठीक है। तो मैंने रन किया, अभी भी मुझे ये 1 दे रहा है, यानी कि ये सक्सेसफुली अनइंस्टॉल नहीं हुआ है मेरे यहाँ से, फाउंड एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन। दोबारा से मैं एक बार देखता हूँ sudo करके, sudo यस कर दिया मैंने, अनइंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब ये मुझे क्या दे रहा है, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर दे रहा है कि numpy मॉड्यूल है ही नहीं, क्योंकि मैंने उसे अभी अनइंस्टॉल कर दिया। अब आप चेक करना चाहते हो कि मेरे सिस्टम में कौन कौन से पाइथन के मॉड्यूल है जो इंस्टॉल्ड हो रखे हैं, तो वो कैसे देख सकते हो, आप pip3 और यहाँ पे लिखोगे आप लिस्ट, तो आपको एक लिस्ट दिखा देगा ये, तो sudo के साथ आप इसको लिखना है pip3 लिस्ट, sudo pip3 लिस्ट, ठीक है। तो ये पैकेजेस जो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं, मैंने यहाँ से देखो ये सारे पैकेजेस हैं, appdir, appurl, awscli, ठीक है, कमांड नॉट फाउंड, क्रिप्टोकरेंसी, क्रिप्टोग्राफी, सॉरी डेफर हो गया, डिसलिब हो गया, ये सारे पैकेज जो है मैंने इंस्टॉल किए हैं, pip के थ्रू इंस्टॉल किए हैं सारे पैकेज, इसी तरह से आप भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ही था यार इस वाली वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर कुछ आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो उस चीज़ को। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।